हमारे चैनल हिंदुस्तान केयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं लाभ और हानि के बारे में। ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने जान लिया था क्रेता विक्रेता किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, और जब सिर्फ विक्रय मूल्य और हानि या लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। अब आते हैं आज थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पर। तो देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एक्स दिया हो और हानि वाई प्रतिशत हो और उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो एक्स में गुना कर देंगे 100 से और 100 में फिर घटा देंगे हानि को। विक्रय मूल्य में 100 से गुना कर देंगे और हानि में से 100 में से हानि को घटा देंगे। तो इसी तरह के एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु में अगर 25% हानि होती है, हानि दिया हुआ है 25% और उसे बेचा जाता है 6750, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6750 पर और वह कितने में बेचना चाहता है, लाभ 15% पर बेचना चाहता है। लाभ करना क्या चाहता है, वो 15%। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर वह 15% 25% पे बेचा तो उसका विक्रय मूल्य ये हुआ, लेकिन वह लाभ कितना लाना चाहता है, लाभ लाना चाहता है 15%, तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हम पहले क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने क्या देखा कि विक्रय मूल्य में 100 से गुना किए और 100 में से फिर हानि को घटा दिए। तो आइए देख करते हैं इसको। विक्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं और हानि में 100 में से हानि को घटा देते हैं। तब कितना आता है, 6750 गुना 100 और नीचे आता है 75। अब इसे हम कटाएंगे तो 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 से इसे कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15 0। अब इसे गुना कर देंगे तो 4 में इस गुना होगा 0, 4 5 20, हाथ में बचेगा 2, 4 दूना 8 9 10, 4 दूना 8 1 9। तो ये हमारा निकल गया क्रय मूल्य। अब हमें कितना निकालना है, क्रय मूल्य तो निकल गया और क्रय मूल्य निकल गया, लाभ दिया हुआ है, अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो अविष्ट विक्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, अविष्ट विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, तो लाभ कितना है, लाभ 15% है, तो हम क्या करेंगे, 100 में 15 को जोड़ देंगे और विक्रय मूल्य 100 नीचे 100 से इसमें हम भाग कर देंगे और गुना कर देंगे किससे, तो विक्रय मूल्य से। तो अब देखते हैं, तो 115/100 गुना 9000, ये जीरो कट गया। अब इसमें गुना करेंगे, 9 पचे 45 हो गया, हाथ में बच गया 4, 9 इकाई 9 9 4 13, हाथ में बचा 1 9 10 और ये 1 0। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। जब हानि दिया हुआ था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, तो क्रय मूल्य निकालने में हमने क्या किया था कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में 100 से गुना किया और 100 में से हानि को घटा दिया। अब जब विक्रय मूल्य निकालना हुआ और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो हमने 100 में लाभ को जोड़ा और नीचे 100 से भाग दिया और गुना हमने विक्रय मूल्य से कर दिया। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। इसी तरह लाभ और हानि के क्वेश्चन कि ट्रिकी क्वेश्चन आती रहेगी चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन जो है उसे क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसे आप पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।